राजा तुम बाहर जाओ। वाह, बड़ी समझदार हो गई बेटी। अच्छा लगा। वैसे भी गैरों के सामने सौदेबाजी अच्छी नहीं लगती। अब आप लोग समझ ही गए हैं तो मैं नहीं समझता कि बात को घुमा के फिरा के कहने की जरूरत है। वैसे भी सीधी बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती। अच्छा लगा भाई साहब कि आपने भी सीधी बात करना सीख ली है। बहू वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। ये घर जरूर छोटा है लेकिन फिर भी ये तुम्हारा ससुराल है। देखिए वैसे मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। पापा प्लीज, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। जो भी आपको प्लीज। फिर आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी भाभी? हमें ही बुला लिया होता। और वैसे भी आप लोग यहाँ पर सौदेबाजी करने आए हो ना? लेकिन सौदे घरों में नहीं होते, बाजारों में होते हैं। और आपको घर और बाजार के बीच का फर्क अच्छे से पता होगा ना? पता है, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पर तुम्हारी कीमत पूछने। इस शहर को छोड़कर जाने की क्या कीमत लोगी तुम? माँ, मैं ना कहती थी कि मैं अपना वजूद इस शहर में कायम करूंगी? देखो, तुम्हारी बेटी ने इस शहर में सिर्फ ना अपना वजूद कायम किया है लेकिन आज अपने वजूद से लोगों को भी डर लगने लगा है। अपनी औकात मत भूलो सुहानी, मत भूलो। तुम्हें जिस वजूद पर इतना गुरूर है ना, चुटकी में मसल कर रख दूंगी मैं, चुटकी में, समझी तुम? संजना, 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 लेट मी टॉक बेटा, लेट मी टॉक। मैं बात कर रहा हूं ना। मैं बात कर रहा हूं। देखिए बहन जी, हम लोग यहां पे झगड़ा करने तो आए नहीं, बल्कि मैं तो आपकी मदद करने आया। राजीव के ऊपर जो आपका कर्जा है उसे चुकाने आया हूं, देख लीजिए। ये ठीक समझा आप? आपका इलाहाबाद वाले मकान के कागजात हैं, उसी मकान के कागजात जिसे राजीव की पढ़ाई के लिए आपने बेच दिया था। उसे मुंह मांगे दाम देके मैंने खरीद लिया। अब राजीव के ऊपर ही आपका अंतिम कर्ज भी पूरा हुआ और उसके साथ ही आपके वो तमाम रिश्ते भी। अंतिम कर्ज? एक बेटे का मां पर अंतिम कर्ज? और वो भी ये कागज का टुकड़ा? ठीक है, मैं उसे हर कर्ज से मुक्त करने के लिए तैयार हूं। बस मैं यही बात अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तो बस यही चाहता है कि वो सारे रिश्तों से मुक्त हो जाए, बस। फिर कह दीजिए भाई साहब, उसे मैंने मुक्त किया हर कर्ज से और हर रिश्ते से। और ये ले जाइए अपने साथ में। मुझे अपने पति की आखिरी निशानी खैरात में नहीं चाहिए। और भगवान के लिए आप लोग भी यहां से निकल जाइए। पापा प्लीज, बहुत हो गया ये तमाशा। हम यहां पर काम की बातें करने आए, कर्ज और रिश्तों की बातें नहीं। इन लोगों से कह दो ये शहर छोड़कर चले जाए। मैं इन्हें एक मिनट के लिए भी इस शहर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बस। काम डॉक्टर, चलो यहां से, चलो। नहीं पापा, लिसन सुहानी, You have to leave this city. You have to. तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा और वापस इलाहाबाद जाना होगा, समझी तुम? भाभी,
अब जब भी ऐसी बातें करती है ना, मेरे इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं। मैं जाऊंगी, इलाहाबाद जरूर जाऊंगी, लेकिन जब मेरे घर के कागजात मेरे हाथ में होंगे, और वो भी अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत से। सुहानी, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। I'm telling you, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी सुहानी। Come on, Sajna. Cool down. Let's go. मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। आग लगा दूंगी बस को जिसने उसे पनाह दी। मैडम, पनाह तो ऊपर वाला देता है मैडम, जरा उसकी कुदरत को आग लगा कर देख। देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, समझे? इधर का यही कानून है, इस बस्ती में जो भी बात होगी ना, इधर कीच होगी। इस बस्ती से कुछ अलग नहीं है, समझी क्या? तो देखो, मैंने तुमसे कहा ना, तो उंगली दिखा के बात मत करो। चलो चलो बेटा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कम, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर? हटो, ये हटो, क्या कर रही है? ए मैडम, ये क्या करने लिए तू? अपुन का लाखों का बाजी का वाट लगा दे ली भाई। मैंने कहा उठो यहां से, गेट अप यहां से। क्या गेट अप, क्या गेट अप बोल रही है तुम? साथ चलने को बोल रही है अपुन को? छोड़ता है ना, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है, यही पैसा तो, हाँ यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। इतनी जल्दी उसे अपनी हैसियत का अंदाजा कैसे हो गया? क्यों ना होगा मैम, पंगा भी तो उसने आपसे लिया। जस्ट रिलैक्स, अब वो ऑफिस नहीं आने वाली, भूल जाओ। डोंट अंडर एस्टिमेट हर, वो इतनी जल्दी इस ऑफिस से नहीं जाने वाली। तुम एक काम करो सनम, सुहानी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन की तैयारी की है, वो प्रेजेंटेशन की तैयारी तुम करोगी। देन मैं? हाँ तुम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये प्रेजेंटेशन सुहानी नहीं, तुम करोगी। देन बट आदित्य सर? उसकी तुम फिक्र मत करो, अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। ओके? यस मैम। बाजी इतनी जल्दी मेरे हाथ में होगी, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। लेकिन अभी तो एक ही बाजी हाथ आई है, असली बाजी तो तब जीतूंगी जब आदित्य धनराज मेरे काबू में होगा। ये तुम क्या कह रही हो? सुहानी ने पूरी मेहनत की और सनम प्रेजेंटेशन करे, दैट्स नॉट फेयर। देखो आदित्य, यहाँ बात फेयर और अनफेयर की नहीं हो रही है, बात हो रही है जिम्मेदारी की।
हम ऐसी लड़की को नहीं अपॉइंट कर सकते जिसे जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास ना हो। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, पहले ये पूछो कहाँ है वो। ठीक है, यही पूछ लेते हैं। स्वीटी, कहाँ है वो? वो आज ऑफिस नहीं आई है। What? वो ऑफिस नहीं आई? हाँ, और इसके बारे में उसने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। क्या ये है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या इसी काबिलियत पे तुमने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया था? हो सकता है उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। एनीवे, व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? नो, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग। वेल, आजकल मैं देख रही हूँ तुम उस पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हो। देखो आदित्य, हमारी कंपनी को एक ऐसी लड़की की जरूरत नहीं है जो इतनी गैर जिम्मेदार हो। ये प्रेजेंटेशन का मामला है तो ये प्रेजेंटेशन सनम ही करेगी, एंड दैट्स फाइनल। सनम, तुम यहां क्या कर रही हो? अपनी जगह पर जाओ। वेल सुहानी, ये जगह भी मेरी है। क्या, ये जगह तुम्हारी कैसी हो सकती है? नहीं है तो हो जाएगी। अब देखो ना सुहानी, मुझे कंपनी का कितना काम है और तुम होके मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ये सब पता है तुम्हें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन सनम को करना है, तुम्हें नहीं। तो जस्ट रिलैक्स, यू नो, और प्लीज मुझे काम करने दो। क्या, ये प्रेजेंटेशन तुम कैसे कर सकती हो सनम? ये तो मैंने तैयार किया है। तुमने किया है? वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, प्रेजेंट सनम करेगी। हेलो, जी सर, दरअसल मैं, ओके सर, ओके, आदित्य सर ने हमें बुलाया है, तुम्हें भी और मुझे भी। लेट्स गो। आई वॉन्ट द चेक इमिजिएटली इन माई कंपनी। ओके, आई विल कॉल यू अप लेटर, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं, इट्स आफ्टरनून नाउ। आई एम सॉरी मैम। सर, मुझे आने में देरी हो गई, एक्चुअली घर पर। कीप क्वाइट सुहानी, घर के प्रॉब्लम्स घर में होने चाहिए, मुझे कोई एक्सप्लेनेशंस और एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार और लापरवाह लड़की होगी। एनीवे, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मैंने एक फैसला किया है। इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने तैयार किया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सनम पेश करेगी। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सनम पेश करेगी। और तुम सनम को असिस्ट करोगी। लेकिन सर, दैट्स माय फाइनल डिसीजन। Now you both can leave. जाना, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आई। कम ऑन डार्लिंग, चलो चलो, लेट्स गो, कम ऑन। यू नो जाना, इट वाज अ फैबुलस ट्रिप। इस ट्रिप में हमें करोड़ों का फायदा हुआ है। डार्लिंग, अब छोड़ो ये बिजनेस की बातें,
तुम इतने दिन के बाद अमेरिका से आए हो. पता है, आई वॉज ओवर एक्साइटेड. कब से एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए. आई रियली मिस्ड यू टू जाना. अच्छा ये बताओ, यहाँ का क्या हाल है? हाँ, तुम घर चलो, पापा तुम्हें सब बता देंगे. Have a drink, young man. Thank you, Papa. Cheers. Cheers. Yeah, good one. Relax, Rajiv, relax. देखो बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तों की कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो हमें मजबूर कर देती है कि हम उन्हें धोते रहें. लेकिन रिश्तों को ढोना और रिश्तों को निभाना दो अलग अलग चीजें. और जब रिश्ते बोझ बन जाएं तो बुद्धिमानी इसी में है कि उसे उतार कर आगे बढ़ जाओ. पापा आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी माँ और बहन का रिश्ता मेरे लिए बोझ नहीं है. राजीव, हमने भी तुम्हारे माँ के रिश्ते को बोझ नहीं समझा था, बिल्कुल भी नहीं समझा था. हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे रिश्ते उनके लिए बोझ बन गए. अगर हम उनके रिश्तों को बोझ समझते तो इलाहाबाद जाकर तुम्हारे बिके हुए मकान को मुंह मांगे दाम देकर खरीद कर तुम्हारी मां को लौटाने नहीं जाते. क्या पापा आपने वो इलाहाबाद वाला मकान? हाँ बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था और उस वादे के अनुसार मैंने तुम्हारी मां को बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन उन्होंने हमें बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया. हाँ राजीव, उन्होंने हमें से बेइज्जत करके घर से नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने तो हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए कहा और कहा कि वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते. तुम्हें बुरा लगा ना? हमें भी बहुत बुरा लगा था राजीव, बहुत बुरा लगा था. हमने सोचा कि ये सारी नाराजगी हमारी वजह से, माँ बेटों के रिश्तों के बीच कड़वाहट ना आए इसलिए मैंने और संजना ने हाथ जोड़ के तुम्हारी माँ से माफी मांगी बेटी. लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ. मैंने तुमसे वादा किया था बेटा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया बेटा, कुछ भी नहीं कर पाया. मैं हार गया राजी, मैं हार गया. Like and subscribe our DigiTube.